नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यतन भोला और आप देख रहे हैं भोला मैकटेक। आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो होगा ओवरस्टीयर और अंडरस्टीयर के बारे में। इन दोनों को बहुत डिटेल में समझने वाले आज इस वीडियो में, तो प्लीज अंत तक जरूर देखना वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर देना। जैसा कि नाम ही बहुत कुछ सजेस्ट कर देते हैं, तो ओवरस्टीयर मतलब स्टीयरिंग जितना आप करने वाले उससे ज्यादा स्टीयर होने वाली है गाड़ी, उसको बोलते हैं ओवर स्टीयर। और अंडर स्टीयर जिसको बता देता है कि जितना आप स्टीयर करोगे उतना ज्यादा गाड़ी घूमेगी नहीं या फिर स्टीयर नहीं होगी। स्टीयर का मतलब बेसिकली घुमाना है, तो ओवर स्टीयर करना या फिर अंडर स्टीयर करना कई बार ये बेनिफिशियल भी होता है, कई बार ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी होता है। जब हम नॉर्मली अपने लोगों की बात करें, जब हम रोड पे चलाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हानिकारक है हम लोगों के लिए, हमारे लिए खराब चीज है अगर ओवर स्टीयर फिर अंडर स्टीयर हमारी गाड़ी करती है तो। लेकिन अगर कहीं हम रेसर्स की बात करें तो वो इस टेक्निक को यूज करके रेस में काफी अच्छा टाइम बचाते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवर स्टीयर होता क्या है, सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं कि हमारी ये गाड़ी है जो चल रही है इस रोड पे और सामने आ गया टर्न, तो गाड़ी जब मतलब अगर मान लेते हैं कि आपकी गाड़ी बहुत तेज चल रही है, इसको मान लेते हैं अभी हमारी 150 की स्पीड पे चल रही है और ये शार्प टर्न है, एकदम ये पूरा यू टर्न है, तो आप जैसे इधर टायर घुमाएंगे ना, तो होगा क्या कि जैसे ही आपने टायर घुमाए और गाड़ी घूमनी स्टार्ट हुई, तो गाड़ी घूमनी स्टार्ट होने की वजह से क्या होगा, जब गाड़ी के ऊपर जैसे आपने गाड़ी को घुमाया तो इसके ऊपर एक फोर्स लगने लग जाएगा, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो जैसे ही इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, तो इसका मतलब क्या है कि एमवी स्क्वायर बाय आर इसके ऊपर फोर्स लगने लग गई। अगर ये जो फोर्स लग रही है ये थोड़े से पीछे के एंड पे, क्योंकि जब आप टर्न पे जा रहे होते हैं तो कुछ कहीं ना कहीं ब्रेकिंग हल्की सी करते हैं, तो उसकी वजह से कुछ वेट ट्रांसफर इस तरह से होता है कि अगर मान लेते हैं कि ये जो आपका एमवी स्क्वायर पे आ रहा है, अगर वो पीछे की तरफ कहीं फोर्स लगा, तो ये पीछे वाली बॉडी है वो थोड़ा सा आगे की तरफ आने लगेगी। और अगर आपने शार्प टर्न लिया है तो अक्सर कर ऐसा होता है कि गाड़ी जैसे आप घुमाएंगे तो पीछे से ऐसे घूमती ही आएगी। जैसा कि आप फॉर्मूला कार्स में बहुत आसानी से देख सकते हैं, ओवरस्टीयर में होता है क्या, फॉर्मूला कार्स वाले क्या करते हैं, ऐसे आते हैं टर्न्स में जैसे ही घुस रहे होते हैं उस टाइम पे क्या करते हैं, पीछे से गाड़ी को पूरा घुमाते हैं, ओवरस्टीयर करते हैं, और ओवरस्टीयर करते हुए इस एंड पे ले आते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उनको जितनी स्पीड कम करनी होती थी इस टर्न पे घुसने के लिए, वो उतनी ज्यादा कम नहीं करनी पड़ती और उस ओवरस्टीयर को यूज कर लेते हैं एज अ हाई स्पीड पे भी वो टर्न्स को कैप्चर कर लेते हैं, टर्न्स को टर्न से निकल जाते हैं आसानी से, विदाउट कहीं कोलाइड करने से बच जाते हैं वो लोग। तो क्या होता है कि इस तरह से एमवी स्क्वायर बाय आर का यूज करके फिर इसको बोलते हैं ओवरस्टीयर। जितना आपने गाड़ी को घुमाया था, मान लेते आपने गाड़ी को घुमाया इस टर्न पे घूमने के लिए, लेकिन गाड़ी घूम गई कुछ ज्यादा, अगर इस टर्न के हिसाब से चले तो गाड़ी इतनी घूमनी चाहिए थी, लेकिन गाड़ी घूम चुकी है कुछ इतनी ज्यादा, तो अगर इतनी घूम गई तो ये ओवरस्टीयर हो गया ऐसे करके घूम रही है तो। और अगर ऐसे आ रही है और इस तरह से जा रही है तो नॉर्मल स्टीयरिंग है, नॉर्मल स्टीयर हो गया गाड़ी, जब उसने पूरा का पूरा अपना जो टर्निंग रेडियस है वो यूज कर लिया। तो ये होता है ओवरस्टीयर, मतलब कि जितने आपने गाड़ी को घुमाना था गाड़ी उससे ज्यादा घूम चुकी है। अब बात करते हैं अंडरस्टीयर की। अंडरस्टीयर में क्या होता है, मान लेते हैं आप टर्न में घुस रहे हैं और टर्न में घुसते आपने स्टीयरिंग घुमाया, अब गाड़ी को घूम जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन बाय चांस क्या होगा कि अगर आगे वाले टायर हल्का सा स्किड कर गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये टायर ऐसे के ऐसे रह जाएंगे और गाड़ी इसी पोजीशन में आगे चलती चली जाएगी। मतलब जितना आपने टर्न करने की कोशिश करी वो गाड़ी उतनी ज्यादा नहीं घूमी, उससे कम घूमी और थोड़ी सी आगे चली गई, तो गाड़ी जो है वो हल्का सा घूम के ऐसे आगे चली जाएगी। तो इसका मतलब आपका हो गया ये अंडर स्टीयर, जितना आपने स्टीयरिंग करने की कोशिश करी उतना ज्यादा स्टीयर नहीं हुआ। इस चीज को वो यूज करते हैं जब भी वो टर्न से बाहर निकल रहे होते हैं, तो क्या होता है जैसे वो आपकी गाड़ी ओवरस्टीयर करके यहाँ तक आई, रेसर्स जो फॉर्मूला 1 रेसर्स होते हैं वो ये क्या करते हैं, इस टाइम पे वो इन दोनों व्हील्स को जो अभी तक इधर घूमे होते हैं उनको एकदम से इस तरफ घुमाते हैं, जो व्हील्स है पहले वो इधर थे अब इधर कर दिया, तो जैसे ही व्हील्स को इधर किया तो गाड़ी पहले तो थोड़ा सा सीधे चलेगी क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा मोमेंटम है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके नॉर्मल स्टीयरिंग वाले मोड पे आके चली जाएगी। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो इनका ओवर स्टीयर है उसको काउंटर करने के लिए वो अंडर स्टीयर करते हैं, उसके बाद फिर वो नॉर्मल पाथ पे आ जाते हैं। तो कुछ इस तरह से ये पूरी का पूरा रेसर जो होता है टर्न्स को एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब हम बात करें नॉर्मल गाड़ियों की, नॉर्मल गाड़ियों में क्या होगा कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपने एकदम से शार्प टर्न लिया और आपकी गाड़ी अगर पीछे से घूमी तो ड्रिफ्टिंग तो जरूर हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। मान लो आपकी गाड़ी को यहाँ पे गाड़ी खड़ी और आपने गाड़ी को घुमाया और वो ओवरस्टीयर कर गई तो यहाँ पे ठुक सकती है, और ऐसे अंडरस्टीयर कर गए तो गाड़ी आगे सीधे जाके ठुक सकती है। तो अंडरस्टीयर और ओवरस्टीयर के बहुत डिसएडवांटेजेस है नॉर्मल लाइफ में, लेकिन अगर बात करें रेसर्स की तो वो इसको एज अ एडवांटेज यूज कर लेते हैं।
अब बात करते हैं कि ओवरस्टीयर और अंडरस्टीयर ज्यादातर किस में होता है। तो ओवरस्टीयर जो होता है अक्सर कर देखा गया है कि ओवरस्टीयर फ्रंट वाले फ्रंट व्हील ड्राइव वाले व्हीकल्स में होता है। अब क्या होता है ओवरस्टीयर, अब फ्रंट व्हील ड्राइव वाले में क्या होता है कि आगे वाले टायर्स में ही पावर होती है, आगे वाले टायर्स ही उसे डायरेक्शन दे रहे होते हैं और पीछे वाले टायर जो होते हैं वो फ्री होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आगे वाले टायर तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, अगर इंजन घुमा रहा है तो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो इस डायरेक्शन फोर्स लग रही है जिसकी वजह से आगे वाला पार्ट तो घूम गया लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फिर अचानक से एमवी स्क्वायर बाय आर होने की वजह से इस तरफ फोर्स लगने लग जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी पूरी की पूरी घूम जाती है। वो डायरेक्ट 90 डिग्री है, वैसे इस तरफ कोई फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये जो व्हीकल है, जो ये व्हीकल है पूरा ओवरस्टीयर कर जाता है। तो अक्सर कर फ्रंट व्हील ड्राइव में ओवरस्टीयर देखने को मिलता है, लेकिन जब अंडरस्टीयर की बात करें तो वो रियर व्हील ड्राइव में देखने को मिलता है। अब रियर व्हील ड्राइव में क्या होता है, रियर व्हील ड्राइव जब चलेगी तो अब वो तो इस तरह से फोर्स लगा रही है हमेशा, रियर व्हील ड्राइव जो है उसमें क्या होगा पीछे वाले टायर में पावर है तो पीछे वाले टायर ग्राउंड के ऊपर इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं। अब आपने टायर को आगे वाले टायर को ऐसे घुमा दिया, अब मान लेते पूरे व्हीकल के पास जो है वो मोमेंटम काफी ज्यादा है और जितना उसने टर्न किया, अब जो टायर है टायर का जो कॉन्टेक्ट पैच है इसका एरिया जो भी आपका इसके वजह से जो भी आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो आपको मिल रही होगी, अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स इसकी मोमेंटम से कम हो गई तो इसका मतलब क्या होगा ये गाड़ी सीधी की सीधी चलती चली रह जाएगी, और अगर ये सीधी चलती चली गई तो ये हो गया अंडरस्टीयर और ये टायर ऐसे टेढ़े के टेढ़े आगे चले जाएंगे, इस पोजीशन में ही टायर आगे आ जाएंगे, इस पोजीशन में गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से ये हो गया अंडरस्टीयर। तो अंडरस्टीयर ज्यादातर रियर व्हील ड्राइव में देखने को मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि फ्रंट व्हील ड्राइव में अंडरस्टीयर नहीं होगा, हो उसमें भी सकता है लेकिन रियर व्हील ड्राइव में ज्यादातर चांसेस होते हैं, लेकिन फ्रंट व्हील ड्राइव में ओवरस्टीयरिंग होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो सबके अपने अपने एडवांटेजेस, सबके अपने अपने डिसएडवांटेजेस है। उम्मीद करता हूं आपको ओवरस्टीयर और अंडरस्टीयर समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई सवाल है कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक को भी जरूर पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए, यू ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बस धन्यवाद दोस्तों।